पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर गंभीरपुर क्षेत्र के निवासी बुजुर्ग ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर दबंगों पर कार्रवाई की मांग। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर निवासी मनोहर निषाद पुत्र स्वर्गीय रामलाल ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है कि पीड़ित मनोहर बुजुर्ग ने बताया कि 4 तारीख की रात 10 बजे गांव के कुछ मनबड़ और दबंगों द्वारा हमारी रिहायशी मड़ई को आग लगाकर जला दिया गया था, जिसमें हमारा गृहस्थी का सारा सामान अनाज सब जलकर राख हो गया। पीड़ित मनोहर द्वारा 112 डायल कर पुलिस को सूचना दिया गया व गंभीरपुर थाने में 5 तारीख को लिखित तहरीर दिया गया, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक न मुकदमा दर्ज किया न ही FIR किया गया और न ही कोई कार्रवाई की गई। पीड़ित मनोहर बुजुर्ग द्वारा थाने का चक्कर लगाकर थक हार कर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच कराकर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। मनोहर राम निषाद कहाँ के रहने वाले? निषाद मुबारक है। क्या मामला है कि आज मामला जमीनी विवाद है और विवाद कुछ नहीं था। पहले समझौता में जब उनके ससुर थे तब हमारे उनके चाचा के लड़के थे तो समझौता हो गया था। एक तरफ हम गए थे, एक तरफ वो लोग हो गए थे। अब वो जब अपना घर बना लिया तब इस समय कह रहे हैं कि ये भी जमीनी हम लेंगे। ये विवाद है, उसमें हमारा बड़ा लड़का रहता था। रजाई, गद्दा, तकिया और गल्ला, चारपाई, चौकी ये सब रखा था। ये सब जुड़ कर ये लोग जला दिए। कौन लोग थे जलाने वाले? माना पत्नी राजेश, संगीता पत्नी नरेश, मोहन पुत्र हंसराज, राजेश पुत्र राम दुलार, छोटे लाल पुत्र बहार, राजेंद्र पुत्र बिरजू, सुरेंद्र पुत्र बिरजू तथा अन्य 10 लोग। तो ये लोग सारा सामान आपको जला दी। तो इसकी सूचना आप थाने पर दिए? थाने पर गए तो थाने वाले चौकी पर पड़ गए तो चौकी वाले हमको वहाँ रोक रखे तो उसके बाद गए थाने पे जाओ। थाने पे गए तो थाने वाले भी कुछ सुनवाई नहीं किया। शाम तक गए कि हम मौका देंगे। अच्छा, मौके पर भी नहीं गए। अच्छा, हम आकर 5 तारीख को यहाँ कप्तान साहब को अप्लीकेशन दिए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज दूसरा अप्लीकेशन हम कप्तान साहब को दिए। अच्छा जी, तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि लोगों के नाम FIR दर्ज हो।